हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आपका अपने यूट्यूब चैनल ए3 एकेडमी में स्वागत है। तो चलिए, जैसे कि हम ट्रिकी जीके में देख रहे थे, इसके पहले हमारे 5 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। उनमें हमने अभयारण्य के बारे में देखा है, हमने बांध के बारे में देखा है, प्रमुख स्टेडियम के बारे में देखा। तो वहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उसी सीरीज का हम अगला चैप्टर लेके आएंगे। इसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि इसमें से हर एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। यकीन मानिए, मैं जो भी चैप्टर यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, हर वन डे एग्जाम जितने भी होते हैं, सभी में से यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो यहाँ से हम वही टॉपिक उठा रहे हैं जो याद करने में प्रॉब्लम होती है, तो उनको इतने अच्छे तरीके से आपको याद कराया जाएगा कि आप चाहेंगे फिर भी नहीं बोल पाएगा। हाँ, एक कहानी के थ्रू, एक डायग्राम के थ्रू। हमारा उद्देश्य क्या है? आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ों को बैठाना। अब हमारे ब्रेन का जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, उसमें अगर कोई चीज़ फीड हो जाती है तो वह चीज़ हमसे कभी नहीं बोलती है। जैसे आप किसी व्यक्ति को देखते हो, तो कुछ दिन बाद आप देखते हो उसको, साल 2 साल 4 साल बाद, तो आपकी वो सबकॉन्शियस माइंड में इमेज बनी रहती है। आपको याद आता है कि हम उसको शायद कहीं देखे हैं, शायद शायद कहीं देखे। थोड़ी बार सोचने के बाद आपको याद आ जाता है कि हाँ, वहाँ हमने देखा था। इसी तरह जब आप एक कहानी के बेस पे, जैसे मैं पढ़ाऊंगा, तो आप इसको पढ़ लोगे और जब एग्जाम में 4 ऑप्शन देखोगे आप, तो तुरंत ये कहानी आपकी याद में आएगी और 4 ऑप्शन से आप तुरंत टिक करके आ जाओगे, कभी गलत नहीं होने वाला। तो आपको करने का है एक मजे के साथ, इंजॉयमेंट के साथ पढ़ते जाना है, एकदम बोरिंग नहीं। इसलिए इतनी फनी कहानी, इतनी फनी ट्रिक्स मैं लेकर के आता हूँ कि आप एकदम मजे से पढ़ोगे, ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेगमेंट। आज हम पढ़ेंगे राज्यों में लोकसभा की सीटों की संख्या। हाँ, पेपर में आ जाता है कि बताइए ये राज्य में लोकसभा की सीटें हैं, या जोड़ी बनाने के लिए आ जाता है कि इस राज्य से लोकसभा सीटों की जोड़ी बनाइए। तो वहाँ पे दिक्कत क्या होता है? मान लो हमको एक राज्य, दो राज्य का याद है, बाकी नहीं याद है, तो क्या करेंगे? तो वहां पे हमें क्या हो, सीटें पता होनी चाहिए। अब डायरेक्टली 29 राज्य हो जाते हैं, 28-29 राज्य हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, केंद्र शासित प्रदेश भी हो जाते हैं। तो इतनों की सीट की संख्या याद करना थोड़ा सा जटिल समस्या हो जाती है। तो उसके लिए अगर याद करेंगे, रट्टा मारेंगे, 2 दिन 3 दिन 4 दिन याद रहेगा। तो इस तरह हम कितना रिविजन कर पाएंगे? बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, तो इनके लिए हमें इससे अच्छा तरीका कोई नहीं हो सकता याद करने का। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम देखते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। तो देखिए पहला जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में कितनी लोकसभा सीटें हैं? आप बोलोगे 6। ठीक है, अभी तो याद होंगे 6। अब इसको याद कैसे रखना है? तो देखिए, हमें याद ये रखना है कि जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में आए दिन मुठभेड़ होती रहती है आतंकवादियों से, पाकिस्तानियों से। तो भारतीय क्या करते हैं, हमेशा पाकिस्तानियों को क्या करते हैं, छक्के छुड़ा देते हैं। चाहे आप देख लीजिए पाकिस्तान भारत का युद्ध देख लीजिए, कश्मीर जो कारगिल में युद्ध हुआ था उसका देख लीजिए, हमेशा पाकिस्तान जब जब भारत पे अटैक किया है, हमेशा भारत ने उनके छक्के छुड़ा दिए हैं। तो आपको क्या याद रखना है, जम्मू कश्मीर में छक्के छुड़ा दिए, मतलब 6 सीटें लोकसभा की। कितनी सीटें? 6 सीटें, बिल्कुल। अब आगे देखिए तेलंगाना, तेलंगाना में कितनी लोकसभा सीटें हैं? तेलंगाना, तेलंगाना में आप बोलोगे 17। ठीक है, ऐसे हम याद कर लेंगे, थोड़ी देर बाद भूल जाएगा। याद कैसे? तो याद रखिए, हम तेलंगाना को किससे रिलेट करते हैं, तेज गाना। किससे कहते हैं रिलेट? तेज गाना। भाई कोई व्यक्ति तेज कब गाएगा? अकेला तो गाएगा नहीं, तो जब एक साथ कई लोग गाएंगे, तो एक साथ मतलब, एक साथ मतलब 17। बिल्कुल याद हो रहा ना, एक साथ भाई तेज गाना, अकेले तेज नहीं गा पाएगा, एक साथ जब कई लोग गाएंगे, एक साथ मतलब एक साथ, तो कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर एक साथ मतलब 17। तेलंगाना में लोकसभा सीटें कितनी? 17। आगे देखते हैं पंजाब, पंजाब में कितनी है? 13। पंजाब में लोकसभा सीटें हैं 13। अब 13 कैसे याद रखना है? भाई पंजाब को याद रखिए, जॉब, जॉब मतलब होती है नौकरी। और सभी से पूछते हैं, भाई मैं तो बेरोजगार हूँ, तेरा जॉब लगा कि नहीं? भाई तेरा जॉब लगा कि नहीं? भाई तेरा जॉब लगा कि नहीं? सबसे हमेशा पूछते रहते हैं, अपने अपने तो बेरोजगार हैं, बाकी सबसे पूछते रहते हैं, भाई मैं, मेरे को तो अभी कोई नहीं मिली, तेरा जॉब लगा कि नहीं? तब बोलोगे 13। क्या जॉब? पंजाब मतलब जॉब, 13 जॉब पंजाब में कितनी? 13। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं केरल, केरल, केरल में लोकसभा सीटें कितनी है? 20। केरल में लोकसभा सीटें क्या है? 20। अब केरल को हम किससे रिलेट करते हैं? केरल को हम रिलेट करते हैं करेला से, करेला से। अब करेला से रिलेट करते हैं, भाई करेला खाएगा तो? करेला खाएगा तो व्यक्ति कहता है नहीं भाई, मेरे बस की बात नहीं है। क्या नहीं है? मेरे बस की बात नहीं है। बस को याद रखिएगा, 20, बस 20, बस 20। भाई करेला खाना मेरे बस की बात नहीं है, तू खा ले, बहुत तीखा होता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे।
आगे आप देखिए गुजरात, गुजरात में कितनी है? आप बोलोगे सर 26। कैसे याद रखेंगे गुजरात को? तो गुजरात को हम याद रखेंगे, गुजरात को रिलेट रखिए गुजरना। जब कोई व्यक्ति गुजर जाता है तो हमारे मन में उसकी क्या रह जाती है? आप बोलोगे सर उसकी छवि रह जाती है। तो छवि से क्या याद रखोगे? 26। भाई जब कोई व्यक्ति गुजर जाता है तो उसकी हमारे में इमेज रह जाती है, क्या? छवि रह जाती है। तो आप बोलोगे 26 सीटें कहाँ पे? गुजरात पे, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हरियाणा। हरियाणा तो हरियाणा की 10। भाई जब किसी स्पोर्ट्स का नंबर आता है तो आप देखते हो कि हमेशा हरियाणा 10 में से 10 लेके आता है। मतलब कोई भी खेल उठा के देख लो, वहां हरियाणा का नंबर सबसे आगे रहता है, ठीक है ना। तो उसमें हम देखेंगे कि जो हरियाणा का नंबर सबसे आगे रहता है, मतलब हरियाणा के लोग हमेशा 10 में से 10 मार्क्स लाते हैं। हर जगह अव्वल रहते हैं, हर खेल में हरियाणवी अव्वल रहते हैं। तो आपको याद रखना है 10 में से 10 नंबर लाते हैं हरियाणा के लोग, ठीक है। आगे चलिए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भाई महाराष्ट्र में कितने हैं? 48। अब देखिए महाराष्ट्र में क्या है? 48। अब हमको क्या देखना है? महाराष्ट्र को हम किससे रिलेट करते हैं? महान है जो राष्ट्र, महाराष्ट्र महान है जो राष्ट्र। और जैसे ही हमारा राष्ट्र क्या होगा? महान घोषित होगा, तो सब क्या करते हैं? क्लैपिंग, सब ताली बजाएंगे, ताली 48। सब क्या करेंगे? 48 ताली बजाएंगे ना। तो महाराष्ट्र भाई जब हमारा राष्ट्र महाराष्ट्र महान राष्ट्र है, तो जैसे ही घोषणा होती है तो सब क्या करते हैं? ताली बजा देते। तो याद रखिएगा 48, क्या? 48, सब लोग 48 48, ठीक है ना, महाराष्ट्र। अब आगे देखिएगा आंध्र प्रदेश और राजस्थान, इसको साथ में देखिएगा। तो सबसे पहले देखिए आप राजस्थान। भाई जब राजस्थान के लोग होते, राजस्थान को रिलेट करिए राजा से, तो राजा महाराजा क्या होते हैं? हर चीज को पचा जाते हैं। 25 को याद रखिएगा, पचा जाते हैं। भाई इतना सारा टैक्स पाते हैं, इतना सारा गेहूं हो चावल हो, हर चीज दूसरे राज्य में हमला करके हर चीज को क्या करते हैं? पचा जाते हैं। उनका पेट नहीं भरता, सब चीज को क्या करते हैं? पचा जाते हैं। तो राजा लोग हर चीज को पचा जाते हैं, मतलब 25। अब वहीं पे देखिए आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, वह क्या करता है? उसको 2 टाइम का अगर रोटी मिल जाए वह उसी को पचाता है और खुश रहता है, बाकी राजाओं के जैसे वह नहीं करता है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान को आप याद रखना है कि अंधा व्यक्ति है, उसको 2 टाइम की रोटी मिलेगी तो वह प्यार से उसको खा के पचा जाएगा, बाकी इधर उधर नहीं जाता। लेकिन राजा क्या है? राजा जो है वह हर चीज पचा जाता है, हर चीज, चाहे रोटी हो या दूसरे की जमीन हो, जायदाद हो, हीरा हो, जवाहरात हो, हर चीज पचा जाता है। तो आपको याद रखना है अंधा व्यक्ति केवल रोटी पचा रहा है, लेकिन जो राजस्थान में सब, तो आपको याद रखना 25 25 दोनों में है। अब आगे देखिए यूपी। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को याद रखिए यूपी मतलब तुम पियो। 80 को रिलेट करिए लस्सी से। भाई तुम पियो लस्सी, क्या? तुम पियो लस्सी, हाँ भाई लस्सी पियो, कोका कोला नहीं पियो, क्या पियो? लस्सी पियो, जिससे सेहत बनती है, ठीक है। यूपी 80, तुम पियो लस्सी। अब आगे देखिए कि बिहार। बिहार बिहार में कितनी है? 40। अब याद कैसे रखना है बिहार? जैसे बिहार का नाम आता है तो सबसे पहले क्या याद आता है? चारा घोटाला। क्या याद आता है? चारा घोटाला, मतलब लालू जी याद आते हैं। तो बिहार में लालू जी क्या कर गए थे? चारा, चारा को याद करिए 40, चारा को रिलेट करिए 40 से। और बिहार तो फेमस है, लालू जी का चारा घोटाला बड़ा फेमस है, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा बिहार का, बिहार 40, ठीक है ना, चारा घोटाला 40। आगे चलिए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल तो 25, जो पश्चिम बंगाल है, बंगाल को हम रिलेट कर रहे थे किससे? बंगला से, बंगला से। और 42। अब देखिए भाई बंगला तो बन गया आपका। अब बंगला बन गया तो उसके चारों ओर क्या क्या करो? दीवार बनवा दो भाई, बाउंड्री बनवा दो। तब बोलोगे भाई बंगला तो बन गया, अब उसके चारों ओर बाउंड्री बनवा दो, दो बनवा दो, चारों ओर बाउंड्री बनवा दो। भाई चलो बंगला तो बन गया, बंगला 42, ऐसे भी याद कर सकते हो, बंगला 42, बंगला 42, ऐसे भी याद, बस ये बंगला और 42 सेम वॉइस आ रही है, ठीक है। आगे चलिए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश क्या है? देखिए हिमाचल जो है वहाँ पे शिमला की बात आती है, तो लोगों को बहुत ही अच्छा घूमने का प्लेस है, बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, तो लोगों को याद आता है। और जैसे आप हिमाचल प्रदेश में जाओगे
वहां पे इतना अच्छा मनमोहक दृश्य होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे चारों ओर पहाड़ है, चारों ओर वादियां हैं, पहाड़ों पे आते हुए बादल, बहुत ही सुहावन दृश्य है। तो आप बोलोगे हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी है? चार। क्यों? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में चारों ओर पर्वत है, चारों ओर। शिमला में देखिए कितनी अच्छी वादियां हैं, चारों ओर पर्वत दिखते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में चार हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना? अब आगे चलते हैं अरुणाचल प्रदेश। अब ये थोड़ा सा स्टोरी अच्छी है, इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सुनिएगा। अरुणाचल प्रदेश में दो है, मणिपुर में दो है, त्रिपुरा में दो है, गोवा में दो है और मेघालय में दो है। इन पांच राज्यों में लोकसभा सीटें कितनी हैं? दो दो हैं। तो इसको हम कहानी बनाते हैं एक, ठीक है ना? अब देखिए आपको कहानी सुनना है। कहानी क्या है? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, मजे के साथ देखिएगा। अरुण नाम का एक लड़का है, ठीक है ना? अरुण नाम का एक लड़का है, वह अपने मित्र से कहता है कि अरुण नाम का एक लड़का है, वह अपने मित्र से कहता है मुझे मनी दो। क्या दो? मनी दो, मुझे मनी दो भाई, मुझे मनी दो, मुझे घूमने जाना है। सॉरी, मुझे मनी दो। तो बोलता है दोस्त किस लिए? तो बोलता है मुझे तीनों धाम की यात्रा करने जाना है, तीनों धाम की यात्रा करने जाना है, तिरुपति जाना है, ठीक है ना? तो बोलता है भाई ठीक तो है, तुमको हम दे देंगे, लेकिन तीनों धाम की यात्रा करने आपको कहाँ जाना है? बोलता है गोवा जाएंगे हम यात्रा करने। कहता है भाई अरुण चल ठीक है, मैं तेरे को मनी तो दिए दे रहा हूँ, तू कहता है तेरे को तीनों धाम की यात्रा करने जाना है, वो भी कह रहा है कि गोवा जाना है। तो भाई ये बता, लोग घूमने के लिए हरिद्वार जाते हैं, प्रयागराज जाते हैं, अलग अलग देव स्थान में जाते हैं, तू गोवा घूमने जा रहा है, मतलब तू पक्का मेरे से कुछ छुपा रहा है, कुछ और सेटिंग है तेरी। तो ऐसा बोलता है, तो चलो झूठ मत बोल, अगर झूठ बोलेगा तो बारिश नहीं होगी, मतलब मेघ नहीं छाएंगे। भाई अगर तू वैसे झूठ बोलेगा तो बारिश नहीं होगी, पहले कहते थे ना कि अगर झूठ बोलोगे भाई तो बारिश नहीं होगी इस साल, तो अगर तुम देखो मेरे से झूठ बोल रहे हो, बारिश नहीं होगी, तो इसलिए मेरे से झूठ मत बोलो। तो कहानी क्या थी? हमने देखा कि अरुण नाम का एक लड़का था, अपने मित्र से बोलता है मनी दो, पैसे की डिमांड कर रहा है, मनी दो, और जाता है कहाँ? तीनों धाम की यात्रा घूमने के लिए, लेकिन कहाँ जाता है? गोवा। गोवा जाता है, तो गोवा जाता है घूमने के लिए, तो उसका मित्र कहता है भाई घूमने जाना है तो कहीं और जाओ, गोवा घूमने नहीं जा रहा, ठीक है ना? तू मेरे से झूठ बोल रहा है, ठीक है ना? और झूठ बोलेगा तो बारिश नहीं होगी, मेघ नहीं छाएंगे। तो ये पांच राज्य में कितनी है? दो दो है भाई, मनी दो, मनी दो। तो याद रखिएगा, अरुण बोलता है मनी दो, तो यहाँ पूरी पूरी इन पांच राज्यों में कितने हैं लोकसभा सीटें? पांच पांच, ठीक है ना? तो ये कहानी आपको याद रखनी है। अब आगे देखिए सिक्किम, सिक्किम में एक, सिक्किम में एक। अब भाई कोई एक भिखारी है, कोई एक भिखारी है, और किसी से पैसा मांगते थे ना, बोलता है बाबूजी एक एक सिक्का दे दो, बाबूजी एक सिक्का दे दो। कभी ऐसा सुना है कि बाबू 10 सिक्का दे दो, 5 सिक्का दे दो? हमेशा कहता है एक सिक्का दे दो। तो सिक्किम को रिलेट करिए सिक्का से, और मांगे क्या? एक सिक्का दे दो बाबूजी, एक सिक्का दे दो, ठीक है? चलिए आगे अब देखिए असम और झारखंड, इन दोनों को साथ में रिलेट करिएगा, साथ में, क्योंकि यहाँ पे दोनों पे 14-14 सीटें हैं। अब देखिए असम की जब बात आती है तो हमेशा हम किससे रिलेट करते हैं? चाय से। किससे रिलेट करते हैं? चाय से। अब देखिए यहाँ भी चाय से हम रिलेट करेंगे, तो क्या होता है? एक कप चाय भाई, एक कप चाय, चाय चार, सेम वॉइस आ रही है ना, एक कप चाय, या एक एक कप चार दोस्तों को। भाई दोस्त हमेशा कैसे होते हैं? चार कहते हैं जब मिलते हो, चार यार, ठीक है ना? तो हमेशा कहते हैं चार दोस्त खड़े, कहते हैं भाई सबको एक एक कप चाय दे दो, तो ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है ना? एक कप चाय, एक कप चाय भाई, एक कप चाय, चाय से चार को रिलेट करेंगे तो एक कप चाय। उसके बाद देखिए चाय का जो पौधा होता है, वृक्ष होता है, वह झाड़ी नुमा होता है, तो झारखंड झाड़ी, तो झाड़ी नुमा होता है। कैसा होता है? जो चाय के बागान होते हैं, इतनी इतनी झाड़ियां होती हैं, उसमें इतनी इतनी झाड़ियों में चाय की पत्तियां लगी होती हैं, पूरे झाड़ी नुमा वृक्ष होता है। तो झाड़ी से झाड़झंखड़ जैसे होता है, तो आप देखिए झारखंड, तो झाड़ी में क्या फर्ती है? चाय। चाय कहाँ रिलेट किए थे? किससे? 14 से, ठीक है ना? एक कप चाय मतलब एक और 14, एक कप चाय मतलब एक और चार, चाय चार, ठीक है? आपको याद रखना है। आगे देखिए मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 29। अब भाई 29, 29 को कैसे याद रखेंगे? तो देखिए भाई मध्य प्रदेश, कोई व्यक्ति क्या है जब उसके मध्य प्रदेश, जब उसके दो नौ, भाई
जब दोनों ओर से मध्य में होगे, तभी ना बोलोगे अब मध्य में है भाई। उत्तर से दक्षिण में भी देखोगे, उत्तर और दक्षिण दोनों के मध्य में है मध्य प्रदेश, और जो आपका पश्चिम और पूर्व होगा, पूर्व और पश्चिम वहां से भी मध्य है, मतलब दोनों ओर से, मतलब दो और नौ ओर से, दो नौ ओर से, याद रखिए दो नौ मतलब 29, दो नौ ओर से मध्य में होगा तभी वह मध्य प्रदेश कहलाएगा, दो नौ दोनों ओर से। ठीक है, चलिए आगे देखिए कर्नाटक। कर्नाटक, अब हम हमेशा कर्नाटक को किससे रिलेट करते हैं, नाटक से करते हैं, नाटक से। अब यहाँ पे देखिए एक व्यक्ति है सोहन, उसके दो बच्चे हैं। अब आप सोच रहे हो कि बच्चे दो ही क्यों, तीन चार क्यों नहीं है, भाई परिवार नियोजन का नारा है, हम दो हमारे दो, बच्चे दो ही अच्छे। ठीक है, तो वहां से रखिएगा कि एक व्यक्ति है सोहन, उसके दो बच्चे हैं, और दोनों स्कूल सुबह सुबह उनकी स्कूल रहती है, कितने बजे, 8 बजे, और दोनों बच्चे जब स्कूल जाने का नंबर आता है तो ले नाटक, सिर दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है, पट्टी आ रही है, ये सब नाटक उनके चालू हो जाते हैं। तो याद रखिए दोनों की 8 बजे से स्कूल है, तो करने लगते हैं क्या, नाटक। पहले तो 8 बजे उठ ही नहीं पाते बच्चे, ठीक है ना, तो कर नाटक, दोनों बच्चे 8 बजे से स्कूल है तो नाटक करने लगते हैं, तो दोनों बच्चे 8 बजे से स्कूल है, अब आपके अंदर यह इमेज बन चुकी है। जैसे आप कर्नाटक को 28 देखोगे तुरंत आपको याद आ जाएगा। अगला देखिए उड़ीसा। उड़ीसा में कितनी है, उड़ीसा में है 21। अब इसको कैसे याद रखना, उड़ीसा को उड़ना और 21 21, भाई बच्चा जैसे ही 21 वर्ष का होता है तो है उड़ने लगता है, भाई अपने आप को समझता है कि हम बड़े हो गए हैं, अब हम खुद डिसीजन ले सकते हैं, और इसीलिए सरकार भी 21 वर्ष उम्र रखी है शादी की, तो वहां भी बच्चा खुश होने लगता है, अब तो हम 21 वर्ष हो गए हैं, इसलिए और ज्यादा उड़ने लगता है। तो आपको याद रखना है कि 21 वर्ष होते ही बालक क्या होते हैं, उड़ने लगते हैं, मतलब उड़ीसा में 21। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में कितनी है, 39। तमिलनाडु में क्या है, क्या है, 39, 39। अब इसके कैसे बोलते हैं, एक व्यक्ति है तमिलनाडु और एक मित्र अपने दूसरे मित्र से कहता है भाई तू मिल तू मिल तू मिल, रिक्वेस्ट कर रहा है भाई तू मिल ना तू मिल ना तू मिल ना, कितनी बार, 3 बार रिक्वेस्ट किया भाई। इतने रिक्वेस्ट करने के बाद अंत में उसका दोस्त कहता है नो भाई, भारत बंद चल रहा है, मैं नहीं आ सकता, नो। ठीक है ना, तो 3 बार वो रिक्वेस्ट किया और लास्ट में बोल देता है नो, मतलब 3 बार रिक्वेस्ट करने के बाद उसका दोस्त फिर भी कह रहा है नो, मतलब नो, 3 और 9 मतलब 39 भाई, 3 बार रिक्वेस्ट किया भाई तू मिल तमिलनाडु, 3 बार तू मिल तू मिल तू मिल, और फिर भी वो कह दिया नो, डंडे थोड़ी खाने हैं पुलिस के। ठीक है, आगे चलिए, आगे क्या है, छत्तीसगढ़। अब देखिए छत्तीसगढ़ मतलब 36 गढ़ों का समूह है, 36 गढ़ों का समूह है, तब ये बताइए 36 गढ़ जो है तो क्या इकट्ठा 36 बन गए होंगे, नहीं, एक एक करके ही तो बने होंगे 36 भाई, जो 36 है वो 36 गढ़ बने हुए हैं, वह तो एक एक करके 36 हुआ होगा, डायरेक्टली 36 तो हुआ नहीं, तो याद रखिए कि 36 गढ़ एक एक करके बना होगा, मतलब घेरा, एक और एक घेरा, ये याद रखिएगा। अगला देखिए उत्तराखंड, बहुत तेज, ये उत्तराखंड, ये बताइए आपको किसी चीज का उत्तर ढूंढना होता है तो आप क्या करते हैं, सोचिए, क्या कोई बुक ढूंढते हैं, बुक खोलते हैं, नहीं, आप क्या करते हैं, गूगल, और गूगल का जैसे यूज करते हैं तो 5 सेकेंड में गूगल उसका उत्तर दे देता है, उत्तराखंड 5 सेकेंड में उसका उत्तर दे देता है गूगल, 5 सेकेंड में। तो उत्तराखंड कहाँ है, उत्तराखंड में कितनी आप बोलोगे, 5 सीटें भाई, गूगल तुरंत 5 सेकेंड में उत्तर दे देता है किसी चीज का, तो आपको याद रखना उत्तराखंड। आप आगे देखिए नागालैंड और मिजोरम, नागालैंड और मिजोरम दोनों में क्या है, एक एक है, ठीक है ना, एक एक है। तो एक दो मित्र बैठे हैं और कहते हैं कि भाई नागा भाई एक गाना गाना, भाई एक गाना गाओ ना नागा, ठीक है ना, एक गाना गाओ ना, तो बोलता है ठीक है भाई मैं तो गा लूंगा, बदले में मुझे क्या मिलेगा, बदले में मुझे क्या मिलेगा, बोलता है भाई कुछ नहीं मैं तेरे को रम पिला सकता हूँ, मिजोरम, भाई अगर तूने अच्छा गाना गाया तो मैं तेरे को रम जरूर पिला सकता हूँ, पार्टी दे सकता हूँ, रम पिला सकता हूँ, तो भाई एक गाना गा गा नागा गाना गा, तो भाई मैं क्यों गाऊँ, बदले में क्या मिलेगा, भाई मैं तेरे को रम पिला सकता हूँ, तो एक एक।
तो यहाँ से आपके सभी राज्यों की लोकसभा सीटें होती है कंप्लीट, इसके बाहर से आपके एग्जाम में क्योंकि राज्य ही नहीं है तो कहाँ जाएगा। अब बचे केंद्र शासित प्रदेश, तो केंद्र शासित प्रदेश में आपको याद रखना है किसकी, दिल्ली की। बस दिल्ली की लोकसभा सीटें कितनी हैं, 7। दिल्ली की लोकसभा हैं सीटें 7, बाकी जो बचते हैं केंद्र शासित प्रदेश 5, उनकी उनकी जो 5 बचते हैं केंद्र शासित प्रदेश उनकी कितनी होंगी, तो आप बताओगे, सॉरी 8 हो गए हैं अपना, तो बाकी जो बचते हैं 7, तो उनमें क्या है, सभी में एक एक, तो आपको याद रखना है ठीक है ना, कि जो भी दिल्ली को छोड़ के जितने भी अब बचते हैं केंद्र शासित प्रदेश उनमें सब में क्या है, एक एक। दिल्ली को आपको याद रखना है, दिल्ली में कितनी है, 7। भाई दिल्ली जाने के लिए कोई व्यक्ति अगर कोई अपने काम मनवाने के लिए दिल्ली जाता है तो क्या अकेले जाता है, नहीं, वह क्या करता है, अपने साथ किसी न किसी को लेके तो जाता है, अपने साथ मतलब दिल्ली में 7, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ से आपकी लोकसभा सीटें कंप्लीट होती हैं। अब हम अपने अगले वीडियो में कुछ नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आएंगे, जो आपको समझने में पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है याद करने में, ऐसे ही मजाक मजाक में हम क्या करेंगे, बहुत सारे टॉपिक क्लियर कर लेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको कोई भी स्टैटिक जीके का हो, अभी केवल जैसे हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन उठा रहे हैं, अब इसके बाद हम साइंस में भी ऐसे ट्रिकी वीडियो लाएंगे, उसके बाद पॉलिटी में भी लाएंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी लाएंगे, ठीक है ना। तो जितने सब्जेक्ट हैं जहाँ पे हमको याद करने वाला था, लुसेंट के विविध वाले पार्ट में लाएंगे, तो सारे चीज़ों के हम ट्रिकी वीडियो लाते रहेंगे। बस आप यदि हमारे चैनल पर नए हों तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा। आपने हमें सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।